नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की समस्त तहसीलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, तो वहीं पाली तहसील से सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांग को लेकर पाली SDM को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग नहीं पूरी होने पर आने वाले समय में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाली तहसील में आए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पाली SDM को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांग की जब तक उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक मध्य प्रदेश की तर्ज पर उन्हें कम से कम 10,000 रुपए वेतन दिया जाए। इसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाए। वहीं सुपरवाइजर के रिक्त पदों को 100% वरिष्ठता क्रम में कार्यकर्ताओं से ही शीघ्र भरा जाए। मासिक पेंशन ग्रेजुएटी समूह बीमा का भी लाभ उन्हें दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO की ड्यूटी न लगाने की बात कही तथा मोबाइल नेट चार्ज और मोबाइल भत्ता दिए जाने तक मोबाइल में उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए।